बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर की राजनीति ने करवट बदल ली है। बीजेपी ने जौनपुर लोकसभा सीट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले कृपा शंकर अपनी पुश्तैनी जमीन पर राजनीति करने आए हैं। हालांकि इस सीट पर पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर खुद की पोस्टर के साथ लिखा कि साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। इसके साथ ही जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम सब के साथ अपनी फोटो भी शेयर की। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि धनंजय सिंह नीतीश कुमार की जेडीयू के सिंबल पर ताल ठोकेंगे या निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। बता दें जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेता कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही करियर की शुरुआत की थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह ने जिस तरह चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इससे बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। विपक्षी पार्टियां कई बार ये आरोप लगाती रही है कि बाहुबली धनंजय सिंह पर सीएम योगी का हाथ है। आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ मामलों में पुलिसिया कार्रवाई में तेजी भी नजर नहीं आती है। इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी समय से जौनपुर से टिकट हासिल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से मुंबई कांग्रेस के पूर्व चीफ कृपा शंकर सिंह के नाम का ऐलान होते ही स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।